बहन और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे पता नहीं कब क्या हो जाए, बहन और भाइयों आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम, यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है, कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि रोपवे मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में अब इस सुविधा को और आसान कर देगा। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने आके संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा, एक एक जनता जनार्दन कार्य करेगी। ये मई का महीना है, याद करिए 2014 के पहले एक एक बूंद पानी के लिए यहां की आम जनता तरसती थी, आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहन और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहन और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार,
तो 400 पार के इस कार्यक्रम इस अभियान में मिर्जापुर और रावर्सगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए, इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए।